समझ आता है। नहीं, मैंने एक दो, अभी इसका मेरे यहाँ मतलब पे टीम के पास टाइम नहीं है, मैंने बोला एक दोस्त को, सो मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक करवा लूंगी मैं, उसकी थोड़ी मिन्नतें करनी पड़ेगी कर देगा वो मेरी मदद। देखो, यूकेरियोटिक सेल में अ सेगमेंट ऑफ जीन जो आगे एमआरएनए बनाएगा, उसको हम प्यार से सिस्ट्रॉन कहते थे, है ना? यो मैम, यूकेरियोटिक जीन में तो अपन यही पढ़ते हैं ना, अगर एक सिस्ट्रॉन है ना, तो एक सिस्ट्रॉन से आपका एक ही एमआरएनए बनना है, तो उससे आपका एक प्रोटीन बनना है, यही पढ़ते हैं अपन। तो इसलिए हम कहते थे कि यूकेरियोटिक सिस्ट्रॉन कैसे होते हैं, दे आर मोनोसिस्ट्रॉनिक, राइट, एक प्रोटीन के लिए। यो मैम, तो प्रोक्रियोट कैसे होते थे? अगर ये प्रोक्रियोट का डीएनए सर्कुलर, तो ये इसका सिस्ट्रॉन का पार्ट है, ठीक है? जब हम इसको निकाल के पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि आधा जो जीन है वो किसी और प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, यहाँ पे एक और जीन है जो किसी और प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, एक और जीन है जो किसी और प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। मींस एक ही सिस्ट्रॉन में अलग अलग प्रोटीन बनाने के जीन्स प्रेजेंट है। तो ऐसे वाली कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये सिर्फ प्रोक्रियोट्स में पॉली मिलती है, एंड दे आर पॉली सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन ठीक वेरी गुड, पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन नेचर, यस यस गुड, पॉलीसिस्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर? हमने है मैम। ये वाली बात सही है, सबको क्लियर है, ठीक है? मोनोसिस्ट्रॉन पॉलीसिस्ट्रॉन अपने को ना रिमेंबर हो गया। अब मैं तुमको बताने वाली हूँ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखो, वर्ड को ना तोड़ लो, तोड़ लो, फिर तुमको खुद समझ आ जाएगा। रेगुलेशन मतलब किसी को रेगुलेट करना, एक तरह से आपने इंश्योर करना है कि चीज ढंग से हो जाए। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो जीन है जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, तो हमें देखना है कि वो सही से कर रही है या नहीं। इसका क्या मतलब है? मैं सबसे पहले बात करूंगी यूक्रियोटिक सेल की, ठीक है? ध्यान से देखना, प्रोक्रियोटिक का तुम मुझे बताओगे, किसी से भी पूछूंगी, ठीक है? तो यूक्रियोटिक सेल का ही डीएनए, डीएनए में ये जीन, ओहो, इसका जो जीन है जब एक्सप्रेस होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या बन जाएगा? एमआर एमआर एच एन आर एन ए बनेगा, यूक्रियोट है ही। फिर एच एन आर एन ए के अंदर एक प्रोसेस होगा जिससे एम आर एन ए बनेगा, उस प्रोसेस का नाम क्या है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट मॉडिफिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, वेरी गुड, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, शाबाश, अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर एमआरएनए कहाँ बना, ये सारा प्रोसेस कहाँ हुआ बच्चा? न्यूक्लियस 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 में हुआ है, लेकिन ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि इस एमआरएनए को ट्रेवल करना पड़ेगा, ट्रेवल टू साइटोप्लाज्म। यो मैम चलो इसको ट्रेवल टू साइटोप्लाज्म करा देते हैं, है? चला गया साइटोप्लाज्म में, और फिर वहां जाके कर लेगा, प्रोटीन बना देगा, तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, राइट? यो मैम और ये हमारा प्रोटीन बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि देखो जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या, ये इतने खतरनाक से शब्दों का मतलब क्या, मुझे स्कूल में बहुत खतरनाक लगते थे कसम से, मेरे को कतई समझ नहीं आता था क्या कह रहा है। तो जीन एक्सप्रेशन, ये इतने से बड़े वर्ड का मतलब सिंपली ये है कि जो जीन है, जीन का एक्सप्रेस होने का मतलब है कि वो प्रोटीन बना दे, एट द एंड उसका मकसद तो ये था ना जीवन का। तो जब जीन प्रोटीन बना दे, तो हम कहते हैं जीन एक्सप्रेस हो गई, और जब वो प्रोटीन बना रही है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ ना हो, तो उसे हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हम नहीं इंश्योर करते, हमारा सेल खुद इंश्योर करता है, ठीक है? तो जैसे मेरी बॉडी में कोई भी प्रोटीन बन रहा है, तो जिस भी सेल में बन रहा है, वो इंश्योर करता है कि मान लो ये मेरा जो प्रोटीन बना है, ये बना है मेरा मेलेनिन, तो मेलेनिन बनाने वाले सेल ये देखना चाहते हैं कि मेलेनिन जब तक बनता नहीं है, तब तक हर स्टेप में सही से सारे स्टेप फॉलो हो रहे हैं या नहीं, तो मैं उसको कहूंगी जीन रेगुलेशन। अब यूकेरियोटिक सेल में कहाँ कहाँ चेकिंग होती है, ये चेकिंग में सेल के अंदर के एंजाइम्स ही करते हैं, तुमको उसके डिटेल में नहीं जाना, तुम्हें स्टेप पता होना चाहिए। तो जीन एक्सप्रेस करने के लिए कहाँ कहाँ चेकिंग होती है, सबसे पहले चेकिंग होती है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, फिर चेकिंग होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पे, फिर चेकिंग होती है जब ये ट्रेवल करता है साइटोप्लाज्म की तरफ एमआरएनए, और लास्ट में चेकिंग होती है ट्रांसलेशन। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर 4 बार चेकिंग होती है टू इंश्योर कि जो जो भी जीन है वो सही से एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं। समझ आई बात? यो मैम ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप प्रोक्रियोटिक का पूछने वाली हो, ठीक है? तो रेज योर हैंड जिसको लगता है वो आंसर देने की कोशिश करना चाहते हैं। चल रही है ना रिकॉर्डिंग? हाँ।
मनीषा यस मैम। कैसे हो, हाँ अच्छे हैं। पढ़ाई क्या कर रहे हो? सच बताओ। ओके, यस मैम। तो ये मेरा प्रोक्रियोटिक डीएनए, सर्कुलरी बनाते हम। इसके बाद हमारा आगे यहाँ पे जीन। बेटे प्रोक्रियोटिक जीन एक्सप्रेशन में मुझे बता, क्या इनके प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोक्रियोट में? यस मैम। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या इनमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है? नो मैम। अरे वाह, नहीं होता, शाबाश, सही बोली। क्या इनमें एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा? नो मैम। नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं। क्या इनमें ट्रांसलेशन होगा? यस मैम। हाँ राइट। तो स्टेप कितने बचे? दो तो है। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन रेगुलेशन होता है और ट्रांसलेशन लेवल पे जीन रेगुलेशन, बाकी कहीं नहीं होता। क्लियर? तो प्रोक्रियोट में सिर्फ दो जगह जीन रेगुलेशन होता है, हमारे में चार जगह होता है। ठीक है, उनमें इसलिए ज्यादा म्यूटेशंस होती है, हमें थोड़ी कम होती है। क्लियर? यो मैम। अब एनसीईआरटी का पेज यो खोलो, मैम। भाग के पेज खोलो, मुझे फटाफट बताओ कहाँ लिखा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जल्दी 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 जल्दी। 115 पेज, 115 पे 115 पेज पे देखो, ऐसे चार लाइनें लिखी है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यो 99, मैम। ओके यस ओके बेटा, वो 98 पे बोल रही है, उसका होगा शायद। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में ना, वहां लिख लो यूक्रियोटिक सेल, वो यूक्रियोटिक सेल की बात कर रहा है वहां पे। ठीक है, और वो देखो नीचे चार स्टेप लिखे हैं, यही चारों। यो मैम। ठीक है, डन हो गया। यो चलो आइए आगे चलते हैं। अब हम आगे की तरफ जा रही हैं, और उसके लिए मुझे थोड़ी मदद चाहिए। तो कोई है जिसको याद है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको कहते थे? बता यो बेटा, बता बता कशिश, क्या मैम। क्या पार्ट होते थे प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में? एक स्ट्रक्चरल जीन और? अरे मैम, प्रमोटर और टर्मिनेटर। वाह, शाबाश, उसकी आवाज कितनी प्यारी सी है ना। ये लो जी, कशिश ने कहा प्रोमोटर टर्मिनेटर, हम मान गए। कशिश मेरे को बात बताओ कि ये डीएनए के स्ट्रैंड को देख के एमआरएनए बनना है, तो एमआरएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो किसको देख के बनता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन या टर्मिनेटर? मैम प्रमोटर। नहीं बेटा, स्ट्रक्चरल जीन को देख के बनता है। ठीक है, ये मैम। इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। तो प्रमोटर का क्या काम है? प्रमोटर के ऊपर आकर लगता है सिग्मा फैक्टर की मदद से एक एंजाइम जिसका नाम है, हाँ शीतल, आरएनए हाँ शीतल, डीएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? मैम। ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल कराना था। अब मैं चल रही हूँ लैक ऑपरॉन की तरफ। ओके, अब मेरे को अगर पूछा जाए ऑपरॉन होते क्या, तो अगर मैं उसको बिल्कुल बिल्कुल ही ऐसे सीधी मीठी सी भाषा में बोलूं, तो ऑपरॉन्स कुछ नहीं होते, वो होते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स। तो मैं इसको सिंपल भाषा में लिख दूं तो दे आर जस्ट क्लस्टर ऑफ जीन्स, डिफरेंट जीन्स हैं इनके पास, क्लस्टर ऑफ जीन्स जो जिनका एक कॉमन ऑपरेटर हो। ठीक है, हैविंग कॉमन ऑपरेटर, तो जिनके पास एक कॉमन ऑपरेटर हो उन्हें हम ऑपेरॉन कहते हैं। ठीक है, क्लस्टर ऑफ जीन जिनका कॉमन ऑपरेटर हो। इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में करें तो, शीतल बेटा हाथ नीचे कर ले, सजा मिली है तेरे को। उर्वशी, अगर तुम्हें पंखा चलाना होता तो क्या करती हो? उर्वशी, पंखा चलाना होता तो, स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, तो फैन ऑन हो जाता है, राइट। और अगर तुमको लाइट जलानी हो तो क्या करती हो? हम स्विच ऑन करते हैं बटन जो होता है। अच्छा, यहाँ भी लाइट चलाने के लिए बटन ऑन करती हो, ठीक है। और अगर फ्रिज ऑन करना है तो क्या करोगी? हम फिर भी यही करते हैं। फ्रिज ऑन करोगी, तो तुमने जितनी बार बटन बटन प्रेस किया, बटन ही है सारे, बटन प्रेस किए तो पर्टिकुलर फंक्शन हुआ, राइट, है ना? हर बार अलग बटन प्रेस करने पे अलग फंक्शन हुआ, सही बात है? ठीक है, अब सोचो एक ही बटन है और जैसे तुम इसको प्रेस करोगी तुम्हारा फ्रिज भी ऑन हो जाएगा, तुम्हारा लाइट भी ऑन हो जाए और तुम्हारा फैन भी ऑन हो जाए। सोचो अगर ऐसा बटन हो, जब ऐसा हो ना कि एक बटन ऑन करो और सारे काम हो जाए, उनको हम कहते हैं ऑपरॉन्स। तो ये जो लाइट है, फ्रिज है और आपका फैन है, ये क्या है? ये आपके जीन्स है।
ठीक है, तो अब इनको जीन से रिप्लेस कर दो, यानी कि आपने एक बटन दबाया और सारे जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो गई, उन्हें हम कहते हैं ऑपेरॉन। ये सारे जीन आपस में अटैच होते हैं, ये बात समझ आई? हम लोग यूकेरियोट में क्या करते थे, जी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एमआरएनए बनता था, फिर एमआरएनए से एक तरीके का प्रोटीन बनता था। हम कह रहे हो तुम बहुत सारे प्रोटीन एक लाइन में लगाओ, बार बार एंजाइम नहीं लाने, बस एक बार एक बटन है उसको ऑन कर दो और ये सारे के सारे एमआरएनए प्रोटीन में चेंज हो जाएंगे। इन्हें हम कहते हैं ऑपेरॉन्स, ठीक है, जो एक ही बटन से ऑपरेट होते हैं। तो दे हैव कॉमन ऑपरेटर एंड दे आर क्लस्टर ऑफ जीन्स। क्लियर? अब इसमें ऑपेरॉन तो मुझे समझ आया कि ये होता है, मतलब तो जब भी तुम कोई बटन दबाओ सारा चीजें ऑन हो जाए तो समझ आना ऑपेरॉन खेल रहे हो तुम, ऑपेरॉन है वो कंडीशन। लेकिन ये लैक क्या होता है? लैक का मतलब होता है लैक्टोज। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे एक ही बात करेंगे, एक ही एग्जांपल करेंगे प्रोक्रियोटिक सेल का। और प्रोक्रियोटिक का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में बहुत अच्छा एग्जांपल होता है इकोलाई। हम सिर्फ इकोलाई की बात करेंगे और हम इकोलाई में देखेंगे कि लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर। तो लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, जब वो उसको कंज्यूम करता है ना, तो वो उसको पचा नहीं पाता, उसको उसे ब्रेक करना पड़ता है। तो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए उसे सेट ऑफ जीन्स को स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझो कि तुम इकोलाई हो, तुमने लैक्टोज खा लिया, मिल्क पिया, लैक्टोज शुगर डाइजेस्ट नहीं हुई, तो तुम्हारे सेल के अंदर एक तीन जीन्स को एक साथ एक्टिवेट होना पड़ेगा, तब जाके तुम उस लैक्टोज को पचा पाओगे। तो लैक ऑपेरॉन वो सेट ऑफ जीन्स है जो एक्टिवेट होगी तभी लैक्टोज एक बैक्टीरिया पचा पाएगा, अदरवाइज नहीं। बात समझ आई? तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम बैक्टीरिया हैं और हमने लैक्टोज खा लिया तो क्या हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे और क्या हम उसको पचा पाएंगे या नहीं। हाँ राशि बोलो। अच्छा ठीक है, चलो आगे। अब जाने से पहले तुमको ये हमारे इकोलाई है, इसकी प्रेफरेंस जाननी होगी। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास एक प्लेट मोमोज है और दूसरी तरफ वो वाली दाल है जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो क्या खाओगे? दोनों। लेकिन अगर वो और अगर दाल ही तुम्हारा ऑप्शन बचा है, मोमो खत्म हो गए, तो क्या खाओगे? बचा ही वो दाल। खानी पड़ेगी, खानी तो पड़ेगी ना, क्योंकि एनर्जी चाहिए। तो वैसे ही है इकोलाई के साथ, इकोलाई को पसंद है ग्लूकोज, ये नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन है, दिल नहीं बनाता वो तुमसे पूछता है प्रेफरेंस। सो इकोलाई प्रेफर ग्लूकोज, लेकिन अगर ग्लूकोज मीडियम में नहीं है तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है? लैक्टोज है ना, इसकी सेकंड प्रेफरेंस नहीं बननी है, मुझे फर्स्ट बननी है। लैक्टोज को इकोलाई से बैरियर बना लेना चाहिए, ठीक है, ये बात क्लियर सबको? नेचुरली ऐसे ही है, पता है क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी निकालना इजी है, लैक्टोज को खाएगा उसको पहले ग्लूकोज में तोड़ेगा, फिर उसको आगे तोड़ेगा, मेहनत ज्यादा लगती है ना, इसलिए वो ग्लूकोज प्रेफर करता है, ठीक है जी। चलो तो याद रखना, बैक्टीरिया ऑलवेज प्रेफर ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ फूड, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज इट गोज फॉर द लैक्टोज यूज, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन का पार्ट है। ऑल राइट, चले फिर। अब हमें केसेस पढ़ने हैं, ठीक है, तो हम केसेस पढ़ेंगे और केसेस को ही समझते समझते आगे बढ़ेंगे। तो 3 केस है। पहला केस नंबर 1, 2 केसेस तो हम साथ ही पढ़ लेंगे। देखो केस नंबर 1, एक मीडियम है, ये दिख रहा है मीडियम आपको, 1 वाला मीडियम में सिर्फ मीडियम में सिर्फ ग्लूकोज है, ओनली ग्लूकोज। तो क्वेश्चन में भी देखना है उसने क्या मेंशन करा, ओनली ग्लूकोज बोला या नहीं, ओनली ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो रेड से मैंने ग्लूकोज बनाया। ये केस 1 है, वहां पे तुम बैक्टीरिया डाल दो, तो एक मीडियम ग्लूकोज के साथ बैक्टीरिया। सेकेंड केस है, बैक्टीरिया डालो, उसमें तुम ग्लूकोज भी डालो और उसमें लैक्टोज भी डाल दो, ठीक है, थोड़ा सा दूध भी डाल दो और एक ग्लूकोन डी भी डाल दो, एक कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन है कि सिर्फ बैक्टीरिया डालो और उसके साथ लैक्टोज डालो। तो 3 कंडीशन क्लियर सबको? ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीनों कंडीशन में क्या होगा। अब एक बात आगे बढ़ने से पहले आपको जाननी पड़ेगी, लैक ऑपेरॉन इज नेगेटिवली रेगुलेटेड, दिस इज नीड स्पेशल पार्ट। तो इसी के साथ आपका आता है होमवर्क, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे बता दू ना तो ये हर साल हर बार भूलते हैं बच्चे और फिर परेशान करते हैं। तो तुम जब लिख के आते हो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होती है। तो तुम मुझे कल लिख के आओगे और तुम्हें मैंने डिफरेंस लिखना सिखाया था ना कल, कैसे लिखते हैं?
ठीक है, इस पे आपको नीट पे बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके, जबको होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें इतनी देर से ऑपरोन ऑपरोन बोल रही हूँ, सेट ऑफ जीन्स जो एक ऑपरेटर से चलती है, लेकिन हमने देखी तो नहीं अभी तक। जब तक देखी नहीं माने कैसे? तो उसको देखने के लिए हमें कुछ ना वर्ड्स जानने पड़ेंगे, कौन किसके बाद आता है। तो उसको जानने का बहुत सी ट्रिक्स है यार, तुमको जिससे याद होता है उससे याद करो। तो मेरी जो ट्रिक है वो है इंडियन पोस्ट ऑफिस में जया गिल। जया जानते हो जया कौन है? मैम कौन है? जी, आप बच्चन की बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल, और किसकी बात करूंगी बाबले। गुड, तो जया बच्चन जी पोस्ट ऑफिस गए, बस जाने की जरूरत नहीं थी उनको, वो चलेंगे। ठीक है, तो जया बच्चन जी पोस्ट ऑफिस गए, हमें उनसे उन्हीं से याद रखना है। ऐसे उन्होंने चूड़ा बनाया, आज हम उनको थोड़ा पतला बनाएंगे। वो लेटर देने गया है कि मेरा एग्जाम्पल लेना बंद करो। ठीक है, तो वो कहाँ गई? इंडियन पोस्ट ऑफिस। वो तो फॉरेन भी घूमते होंगे ना, तो अपन ना इंडियन पोस्ट ऑफिस लिख लेते, कन्फ्यूजन ना हो। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस के फर्स्ट अल्फाबेट उठा लो। आई इंडियन पोस्ट, ओ से ऑफिस गई, कौन? जया। जया को हमने लिखना है जया, ZYE। क्लियर? यो मैम, इसको एक साथ लिखना है, समझ आ गया? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंडियन पोस्ट ऑफिस जया। अब इनके बीच में दीवारें खड़ी कर दो, लड़ाई की दीवार। बड़ा बना पड़ेगा, हो ज्यादा काम हो गया ये तो। इतना के लिए। यो यो मैम। अब ये क्या है? ये पूरा पूरा एक एक सिस्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि इसके पास स्ट्रक्चरल जीन होंगे। तो ZYA आर नथिंग बट द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब है ये वो जीन है जो आगे चल के mRNA बनाएंगे और उससे प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो ये आगे चल के mRNA बनाएंगे सारे, और फिर ये आगे चल के प्रोटीन बनाएंगे, तीन डिफरेंट टाइप के। IPO क्या है? आई स्टैंड फॉर इंड्यूजर, ठीक है जी। P स्टैंड फॉर प्रोमोटर, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, जहाँ पे DNA पॉलीमरेज आके लगता था ना, वही है इंड्यू। सॉरी 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 सॉरी, आई स्टैंड फॉर इनिबिटर, क्षमा चाहेंगे, इनिबिटर। और इसी को हम रिप्रेसर भी कहते हैं, जो इनिबिट करता है वो रिप्रेस भी करता है। और ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटर। क्लियर? तो ये है वो लाइकोपेरॉन, यानी कि लैक्टोज अगर खाना है और पेट में पचाना है, तो मनीषा बेटी क्या, कौन सा देर में ऑपेरॉन स्टार्ट होना चाहिए? IPO हाँ, लाइकोपेरॉन। और देखो इसमें कितने प्रोमोटर है, एक ही प्रोमोटर दिख रहा है ना तुमको, एक ही ऑपरेटर दिख रहा है ना, है ना। तो यही रेगुलेट करते हैं आगे चल के फंक्शन कैसे होगा बेसिकली। ठीक है, चलो। तो ये तीन जीन्स को एक साथ डिसाइड कर सकते हैं कि ये तीन जीनों जीन से mRNA बनेगा या नहीं, ये स्टार्टिंग वाले स्ट्रक्चर्स। चलो अब आगे चल रहे हैं हम। देखो, आई से इनिबिटर, पी से प्रोमोटर, ओ से ऑपरेटर, ठीक है, और ZYA हमारे जीन्स है। अब ZYA जो हमारे जीन्स है वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ZYA क्या करेंगे, इनमें होगी ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ ध्यान से देख लो, ये तो कठिनाइयां होंगी जीवन में, ये कर दी इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया, ये आगे इनका एम और ई नहीं। एक ही बार डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर से गुजरेगा और एक एमआरएनए बना देगा। देखो, बार बार किसी एंजाइम को आने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट, ये एमआरएनए बन गया, लेकिन इसके तीन अलग पार्ट है। अब ध्यान से देखना, ट्रांसक्रिप्शन के बाद कौन सा प्रोसेस होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो जो जेड वाला, ये जीन ही है सारे, पी वाला भी जीन है, आई वाला भी जीन है, ठीक है। तो जेड वाला जीन जब एक्सप्रेस होगा ट्रांसलेशन करके, तो वो कौन से वाला प्रोटीन बनाएगा, उसके प्रोटीन के नाम पे क्वेश्चन आता है। इट फॉर्म्स अ प्रोटीन नोन एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एज लिखा है ना, तो प्रोटीन है। क्लियर? डिफरेंशिएशन दोबारा बता देना क्या है किसकी? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, वाई वाला जीन जब एक्सप्रेस होगा तो वो बनाएगा हमारा परमीएज, परमिशन देता है ये, ठीक है।
परमीज। और जब हमारा ए वाला एक्सप्रेस होगा, ऊपर बना नीचे बनाऊंगी, जब हमारा ए वाला एक्सप्रेस होगा तो वो कौन सा प्रोटीन बनाएगा? दिस इज नोन एज ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है जी। तो ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन मॉडिफाई होकर एंजाइम की तरफ काम करने लग जाते हैं, इसलिए हम इनको एज एज लिख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ प्रोटीन बना जो मॉडिफाई होके बीटा ग्लेक्टोसाइडेज एंजाइम में चेंज हो गया। समझ आया? यो यो मैम। ठीक है, अब देखना बीटा ग्लेक्टोसाइडेज बना, ये करता क्या है? देखो लेक्टो, मैंने कहा था ना जब ये एक्टिवेट होंगे तो लेक्टोज को पकड़ना और उसको तोड़ने का काम करेंगे। तो जब जेड जीन एक्टिवेट होगा ना, तो ग्लेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम लेक्टोज को तोड़ेगा, और जब भी लेक्टोज टूटता है तो वो किस किस में टूटता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में टूटेगा। ठीक है जी। फिर वो ग्लूकोज खा जाएगा क्योंकि उसको ग्लूकोज पसंद है। जब परमीज आता है तो परमीज एंजाइम क्या करता है? परमिशन देता है। देखो लेक्टोज ना बैक्टीरिया में ऐसे एंटर नहीं हो सकता, उसको मनाही है, बैक्टीरिया कहता नहीं आना, यहाँ नहीं आना। तो अगर लेक्टोज एंटर होना चाहता है तो उसको थोड़ी सी स्पेस चाहिए। तो परमीज एंजाइम क्या करता है, अगर मैं बना दूं, ये मेरा परमीज एंजाइम है, ठीक है, ये जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास और वहां पे छोटे छोटे पैसेज बना देगा कुछ ऐसे, और इन जगहों से कौन एंटर कर जाएगा? लैक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज लैक्टोज लैक्टोज। तो परमीज करता क्या है? अलाउ प्रोवाइड पैसेज ऑफ लैक्टोज किसके अंदर? लैकोपेरोन। नो, लैक्टोज इन बैक्टीरिया। देख बेटा, लैकोपेरोन ना बैक्टीरिया के डीएनए का एक सेगमेंट है। ठीक है, वो तो बैक्टीरिया के डीएनए का सेगमेंट है ना, उसका कोई लेना देना है, वो अलग चल रहा है। उससे बना हुआ एंजाइम बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू लैक्टोज को आने की जगह बना के दे रहा है, दरवाजा खोल रहा है। ये बात समझ आई? यो समझ आएगी हवा में? जो यो मैम ट्रांस एसिटाइलेज है ना, इसका फंक्शन हमको पता नहीं है, बच गए तुम। ठीक है, कोई एसिटाइलेशन करता है पर किसी को अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, तो ये दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? यो मैम ये वाला इसका फंक्शन पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन ये है कि जो भी बैक्टीरिया ने ये लैक्टोज खा लिया ना, जैसे तुम बैक्टीरिया हो, इकोलाय का, ठीक है, इकोलाय बैक्टीरिया हो, तो तुमने लैक्टोज खा लिया, दूध पी लिया, अब तुम्हारे सेल्स क्या करेंगे? वो लैक्टोज को लेंगे अंदर और फिर उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देंगे। तो उसके लिए उनको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम मिलेगा। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तुम्हारे सेल के अंदर लैक्टोज की धुलाई करता है, तोड़ता है उसको। ओके, यो यो मैम आइए आके चलते हैं फिर। तो मुझे बताइए, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन द प्रोक्रियोट? कौन से एंजाइम की जरूरत होती है अभी? द मेजर एंजाइम जो एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाता है प्रोक्रियोट में ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, क्या नाम है उसका? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। किसने हमारे क्लास का माहौल खराब किया है? ये बच्चा एकदम मैम से आप बोल रहा नाम है, ही नहीं बोल रहे थे, इनको लगा ऐसे ही बोलना है। तो मैं बोलने वाली थी, मुझे देखने का दिया, हाथ किसके खड़े हैं? सजा दी जाएगी तुम्हें। प्रोक्रियोटिक जीन इज मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। कशिश, हाँ बोल, हाँ बोल बेटा, तू भी खराब कर माहौल। पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक हाँ, कह रहा है गलती से नहीं सुना, मैं दोबारा बोलूं। पॉलीसिस्ट्रोनिक मतलब तुमको बेसिक थोड़ा समझ आ गया, राइट? आ जाओ मैम। लैकोपेरोन सिर्फ बैक्टीरिया में ही होता है। क्या? लैकोपेरोन मॉडल सिर्फ बैक्टीरिया में वर्क करता है। यस यस यस, तभी तो पढ़ रहे हैं हम बाबले। लेकिन बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत तरीके के मॉडल्स हैं, हम में नहीं है, प्रोक्रियोटिक सेल में है। ठीक है, तो प्रोक्रियोटिक सेल के सोल मेंबर्स तो बैक्टीरिया ही है ना, तो इसलिए हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑपरोन्स हो गए हैं। ठीक है, हमने बस यही पढ़ना है। यो ठीक है, अब देख केस वन, जब मीडियम में, बेटा माइक बंद कर लो, ग्लूकोज इज प्रेजेंट ओनली, सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट है, या फिर एक और केस हम यहाँ पे एक साथ कवर कर सकते हैं, केस टू, जब क्या क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज लैक्टोज। जब ग्लूकोज और लैक्टोज साथ में है, क्या बैक्टीरिया लैक्टोज की तरफ आंख उठा के देखेगा?
नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आता है। अभी जो तुम ना इंडियन पोस्ट ऑफिस लिखा है ना, उसके आगे भी एक पी लगाओ, ये भी प्रमोटर है। ये प्रमोटर है सिर्फ इंड्यूसर जीन के लिए, सॉरी इनहिबिटर जीन के लिए, ठीक है। इस जीन के लिए ये प्रमोटर है और लैक ऑपेरॉन के लिए प्रॉपर ये प्रमोटर है। ओके, दो अलग प्रमोटर जाएंगे, बात क्लियर है? ठीक है जी। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आया, एक केस आ गया, आके लग गया, लग गया तो ये इनहिबिटर के ऊपर से क्रॉस कर गया। जैसे ही पॉलीमरेज क्रॉस करेगा तो इनहिबिटर जीन क्या बना देगा? एमआरएनए। इस एमआरएनए का स्पेशल नाम है, इसे आप बोलते हैं रिप्रेसर एमआरएनए, ठीक है। तो इनहिबिटर के साथ आपको रिप्रेसर वर्ड याद रखना है, याद रह जाएगा। mRNA से क्या बन जाएगा? प्रोटीन एक ही जीन है बाबले, प्रोटीन बन गया। ये प्रोटीन है डेविल, इसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। अब रिप्रेसर प्रोटीन का क्या दिक्कत है, ये तुमसे नहीं होते हाथ खड़े, तुम उछल रहे हो, ये भी इधर उधर उछल रहा है, कह रहा है मेरे को जाके कहीं पे लटकना है, आत्मा की तरफ, विक्रम बेताल की तरफ। तो ये कहाँ जगह लटक जाता है? इसकी फेवरेट जगह क्या है? इसकी फेवरेट प्लेस है ऑपरेटर। ये भाई साहब ऑपरेटर पे जाके बैठ जाएंगे, अभी ऑपरेटर पे जाके बैठ गए और यहीं बैठे रहेंगे गब्बू बन के, कहीं नहीं जाऊंगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को कुछ नहीं पड़ा। अब वो आया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, प्रोमोटर पे आया लैक ऑपेरॉन के। अब वो कोशिश करेगा इस तरफ जाने की, क्या वो जा पाएगा? No, तो अगर वो नहीं जा पाया तो जया बच्चन जी सेड वाई एजिया, क्या यहाँ पर प्रोटीन बना पाएंगी? No, ma'am. राइट, तो इस केस में लैक ऑपेरॉन एक्टिवेट हो पाया? No, ma'am. तो लैक ऑपेरॉन कैसा रह गया हमारा? ऑफ। समझ आया? Yo, ma'am. जब भी मीडियम में ग्लूकोज होता है या ग्लूकोज होगा ना, जब भी मीडियम में, तब लैक ऑपेरॉन के साथ ये होता है कि रिप्रेसर आके ऑपरेटर पे बैठ जाता है, इस वजह से ये काम नहीं कर पाता। ये फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप, ये हमारा फोर्थ स्टेप, ये हमारा फिफ्थ स्टेप। क्वेश्चन क्या आता है अगर पेपर में आना हुआ? इसमें से अरे कुछ भी आता है, इसमें से पूछ लेते, पहले तो केस ही बता देंगे तुझे कि मीडियम में ग्लूकोज है लैक्टोज है, तो बताओ ऑपेरॉन ऑन है या ऑफ। ये पूछ लेते हैं कि ऑपेरॉन नेगेटिवली रेगुलेटेड है पॉजिटिवली रेगुलेटेड है। ये पूछ लेते हैं लैक ऑपेरॉन में जेड जीन कौन सा एंजाइम बना रही है, वाई कौन सा बना रही है, ए कौन सा बना रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो डायग्राम भी लेबल होने के लिए आ जाता है। और आई का मतलब क्या है, इंड्यूसर है या फिर इनहिबिटर है? तो ये इनहिबिटर है। समझ के बेटा, सारे क्वेश्चन बता दी मैंने तुझे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर तो क्या कर सकते हैं। यस मैम, मुझे देखा जाए। नहीं हो जाएगा ऐसा नहीं। तो रिप्रेसर देखो, ये केस वन था, रिप्रेसर बना, रिप्रेसर मॉलिक्यूल बना, वो कूद के कहाँ चला गया? ऑपरेटर के पास चला गया। ऑपरेटर के पास चला गया तो उसने पॉलीमरेज को आगे नहीं जाना दिया और इसी वजह से लैक ऑपेरॉन क्या हो गया? ऑफ। क्लियर है सबको? देखो यही बात हमने इंग्लिश में भी लिखी है, कोई बच्चा कल को बोल दे आपने बताया नहीं। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर, या आरएनए पॉलीमरेज काए ये बाइंड टू द प्रोमोटर, प्रोमोटर पे बाइंड कर गया एंड फॉर्म रिप्रेसर एमआरएनए। अब तुम बताओ, अगर रिप्रेसर एमआरएनए बना है तो उससे क्या बनेगा? अब रिप्रेसर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन गया। रिप्रेसर प्रोटीन का मॉलिक्यूल कहां जाके बाइंड करेगा बेटा? ऑपरेटर। इसको ऑपरेटर पे भेजना। तुमने वो सुना घर पे आरओ लगाते हैं? भाई इससे याद कर लो, आरओ वाटर प्यूरिफायर, ओ पे भेजना, प्रमोटर पे मत भेज देना, नहीं तो चार नंबर खा जाएंगे नीट वाले। तो ऑपरेटर पे गया, ऑपरेटर पे गया तो उसने डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का काम रोक दिया। इसकी वजह से कौन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया? स्ट्रक्चरल जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। बेटा माइक बंद कर ले। अरे नहीं, बाहर कुत्ते बाप रहे हैं।
हर क्लास में एक बच्चे का माइक ऑन हो ही जाता है। वो नहीं है। नहीं यार, रिमूव फ्रॉम द कॉल क्यों आ रही है? तो हमें पता चल गया पलक पढ़ नहीं रही है ना पलक, वो पढ़ ही नहीं रही, उसको क्या पता क्या हो रहा है। चलो ठीक है, ये क्लियर है तुम्हें? यो 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 मैम, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो आगे चलते हैं, लास्ट केस पढ़ रहे हैं हम, व्हेन इंड्यूजर इज प्रेजेंट। जब इंड्यूजर प्रेजेंट है मतलब क्या है कि हमने एक कंटेनर लिया है और उसमें दूध था बहुत सारा लैक्टोज से भरा हुआ, और उसमें बैक्टीरिया को फेंक दिया, ठीक है? तो इंड्यूजर कौन होता है जो लैक ऑपरोन को स्टार्ट कर सकता है? तो इंड्यूजर कौन है इस केस में? लैक्टोज। हाँ लैक्टोज, यस। लेकिन हम इसको अलग नाम से बुलाएंगे, क्यों? देखो लैक्टोज हम बोलेंगे, मिल्क शुगर है बेसिकली, व्हेन दिस शुगर, ये लिख लो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, शुगर, ओहो ये ऊपर चला गया मेरा, एक सेकेंड, व्हेन दिस शुगर इज प्रेजेंट इन मीडियम, जब मीडियम में होती है ये तो हम इसको लैक्टोज बोलते हैं, लेकिन जैसे ये बैक्टीरिया की बॉडी में चली जाती है, लैक्टोज इनसाइड बैक्टीरिया बॉडी, मैं बैक्टीरिया हूँ, मैंने लैक्टोज खा लिया मेरी बॉडी में चला गया ना, तो मैं इसको बोलूंगी एलोलैक्टोज, ठीक है? क्यों मैं तो था तो अंदर क्या क्या पूछा इसने? एलोलैक्टोज क्यों बोलती हूँ मैं, क्योंकि इसकी शेप जो हो जाती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है? बस इतनी सी बात है, क्लियर है सबको? और इसी को इंड्यूसर बोलते हैं, नीट वाले ये बार बार पूछते हैं, ये गलत मत करके आना, इनहिबिटर मत लिखा ना, पाप लगेगा। ओके चलो अब तुम मुझे बताओ, तुम क्या बताओगे? मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम मुझे आगे का क्वेश्चन बताओगे। आइए देखो अब क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, पहले वाली सेम हुई कि यहाँ पर था पी आई, यहाँ पर आया हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इनहिबिटर को उसने रीड किया, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, उससे रिप्रेसर मॉलिक्यूल बन गया जो हमेशा सड़ा रहता है ना, यही होता है ना इसके साथ? अब ये बहुत ही ध्यान से देख रहा था ऊपर की तरफ, कहाँ पे जाके चिपकना था इसने? ऑपरेटर, हाँ है ना, और दिक्कतें कॉज करनी थी ना। लेकिन अब क्या हुआ, इसे पता ही नहीं चला कि मीडियम में कोई आ गया, और कौन आ गया मीडियम में? लैक्टोज। हाँ, बैक्टीरिया ने लैक्टोज खा लिया और उसकी बॉडी में लैक्टोज जाके मैं बुलाऊंगी एलोलैक्टोज। लेकिन एक बात है जो तुमको नहीं पता थी, क्या कि रिप्रेसर को एलोलैक्टोज बहुत पसंद है, बहुत पुराने दोस्त है, खो गए थे कुंभ के मेले में, ये रहा एलोलैक्टोज, दिख रहा है? यो यो मैं। यो मैं। ठीक है सोचो, तुमको कुंभ के मेले में खोई हुई तुम्हारी सहेली मिल गई या सहेला मिल गया, तो क्या करोगी? पहचान नहीं पाएंगे उसको, बहुत सालों से नहीं खोया था यार, कुछ दिन पहले खोया था अब क्या करेगा? गले मिलेंगे, गले मिलेंगे, पूछेंगे पूछेंगे कहाँ गया था बेटा, तुझसे पूछ लेगा वो, तू कहाँ गया था छोड़ के? सेम चीज इसने भी करी रिप्रेसर मॉलिक्यूल ने, देखो तुम्हारी सोच कितनी मिलती है, कि एलोलैक्टोज के देखे रिप्रेसर मॉलिक्यूल ने मुंह तो बनाया लेकिन एलोलैक्टोज खुश खुश था, तो फर्स्ट केस की एलोलैक्टोज और रिप्रेसर एक दूसरे के पास आए, सेकेंड केस जो इसने बोला अभी हर्ष ने कि उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, जैसे रिप्रेसर को उसने गले लगाया तो वो पिघल गया, जैसे हर्ष को उसके बिछड़े हुए दोस्त ने गले लगाया हर्ष पिघल गया, कहता कोई क्लास नहीं लगाऊंगा अब मैं खेलूंगा, है ना? देख तो ये हो गया इनएक्टिव, तो अगर रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया क्या ये ऑपरेटर के पास जा पाएगा? नो नो मैम, ठीक है तो ये तो भूल ही गया कि इसको क्लास भी लगानी थी, ऑपरेटर के पास गया नहीं, तो ऑपरेटर के पास कौन चला गया? लैक्टोज। अरे ओए मारूंगी मैं तुझे, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हाँ हर्ष अपने दोस्त के साथ गले लगा, वो दिख नहीं रहा तुम्हें? उसको छोड़कर थोड़ी जाएगा, ये हर्ष है, ये उसका दोस्त है, क्या नाम है इसका? हर्ष, चमन,
ठीक है, तो ये दोनों गले लगे, ऑपरेटर के पास जगह खाली थी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आया, अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है, तो क्या वो सारे जीन को रीड कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन कर देगा इनकी? एमआरएनए बनेगा तो प्रोटीन बन जाएंगे सारे, ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो क्या बोलूं मैं, लैक ऑपरॉन ऑन हुआ या ऑफ? ऑन हो गया। तो लैक ऑपरॉन कब ऑन होता है, जब मीडियम में क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, यस ठीक है जी, क्लियर? नाउ लैक्टोज को हम इंड्यूसर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये रेगुलेट करता है कि ऑपरोन स्टार्ट होगा या नहीं, इसी ने तो रेगुलेट किया ना, इसलिए हम इसको इंड्यूसर बोलते हैं। नाउ ये वाली पिक्चर मुझे बता, ए कोई अभी एनसीईआरटी छोड़ो, तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें देखो प्लीज, ध्यान से देखना और मुझे चैट में बताना है, ये जो मेरे को ऐसे ही बताएंगे मुझे क्लास से निकाल देंगे, कि यहाँ पर लैक ऑपरोन ऑन है कि ऑफ है? चीटिंग करके ना बताएं, खुद से बताएं। इतनी स्पीड, चैट बॉक्स में ओपन हो रहा है, यस। अच्छा जी, कौशल्या, कौशल्या तुम्हारा नाम कौशल्या? यस। अच्छा ठीक है कौशल्या, तो लैक ऑपरोन ऑन हुआ कैसे पता चला तुझे? आंसर तो सही, लैक ऑपरोन ऑन है, अच्छा नहीं ऑफ लिखा ना तुमने, हाँ ऑफ है, आंसर तो सही है, तुम्हें पता कैसे चला? तब्बू तुम बताओगी? शालिनी, रिद्धिमा, जादू शक्तियां बता रही है तुम्हें आंसर? मुस्कान, ऐसे तो पूरी क्लास के नाम हो जाएंगी। मुस्कान बोलो, मुस्कान मैम क्योंकि वो ऑपरेटर एंड की तरफ गया था। कौन वो, कौन है यार बेटा वो का नाम क्या है? रिप्रेसर। हाँ रिप्रेसर फॉर्म हुआ और ऑपरेटर बाइंड हुआ, इसलिए कुछ ट्रांसलेशन हो नहीं पाई, और यहाँ पे इंड्यूजर भी एब्सेंस है, तो ये कुछ क्लू है जिसे देख के पता चला कि लैक ऑपरोन ऑफ है, राइट? तो जब इंड्यूजर नहीं है तब वो ऑफ रहेगा, ठीक है, क्लियर? चलो यो यो मैम, लैक ऑपरोन इस केस में क्या है, ऑन या ऑफ? चैट में और रेज योर हैंड। तब वो भी नहीं बताओगी क्या? शालिनी तुम भी नहीं बताओगी? ओके श्रुति, अच्छा ये सही है, खुद डिसाइड करेंगे। मैम एलो इलेक्ट्रोज मैम रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है, इसीलिए मैम ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। यस, तो ये रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है, इस वजह से ये प्रोसेस पूरा हो पाता है, गुड, इसलिए लैक ऑपरोन ऑन है, सही बात है। चलो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, चैट बॉक्स। सबस सबस, तो आप सभी जीतते 1 करोड़ रुपए। हम कब दे रहे हो बेटा? वर्चुअल मनी है, खुश रहे। Which of the following is required as inducer for the expression of lac operon? Lac operon अपने आप को express कर पाए, simple सी बात है, protein बना पाए, उसके लिए आपको एक inducer चाहिए। कौन है inducer? एक ही तो है, lactose। lactose। हाँ, confuse नहीं होना इसमें, समझ आई? कोई दिमाग नहीं लगाना, याद रखना इसको, सीरियसली बता रहे हो, दिमाग लगाने से चीजें खराब हो जाती है कभी कभार। lac operon equals to inducer equals to लैक्टोज, ऐसे ही लिख लो कहीं, याद रख लेना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ये बताओ, ये तो तुम होमवर्क में करके आओगे। चलो ओहो हो, आइए फिर,
अब आप करेंगे ये वाले क्वेश्चन। यहां तक हो गया था, ये क्वेश्चन हुआ था? नो मैम। नो मैम। ये हुआ था? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ये कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं हुआ? कौन से क्वेश्चन तक पहुंचे थे तुम? ये तो हो गया था। ये नो मैम। नो मैम। ये नो मैम। नो मैम। सवाल करे भी है या नहीं? नो मैम। नो मैम। ये वाला यो यो मैम। यो यो मैम। वो करा था। ये वाला करना है। यो यो मैम। चल कर। कचप कचप। हाँ जी, फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। फाइनल वाला प्रूफ कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, ये महिलाओं ने कहा था, कौन थी वो? हर्शी एंड चीज। हर्शी एंड चीज, राइट? मार्था चीज, राइट? आंसर वुड बी ए। वेरी गुड। आइए ये बताइए, अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द गिवन बिलो एक्सेप्ट। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। तो मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, बस एक नहीं होनी चाहिए। तो आपको कौन सी ढूंढनी है, करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट, यानी कि बाकी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको तीन ऐसे पॉइंट्स बताने वाला जो जेनेटिक मटीरियल में होने चाहिए, तो नीट को लगता है वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको आने चाहिए। तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडल के तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जेनेटिक मटेरियल वो करता भी ऐसे एक्सप्रेस, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू जेनरेट रेप्लिका, मतलब वो अपनी रेप्लीकेशन कर पाए। तो कर पाता है जेनेटिक मटीरियल? ये भी सही है। इट शुड बी अनस्टेबल, अनस्टेबल होना चाहिए? नो मैम। इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। तो स्लो चेंजेस होने चाहिए, जैसे नॉन कोडिंग रीजन में म्यूटेशंस होती रहती है ना, तो वो जरूरी है ताकि इवोल्यूशन हो पाए। तो ये भी सही है। तो आंसर इज सी, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है कि सी को छोड़ के बाकी सारी स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो और उसको लिख लेना अपने पास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यो यो मैम। चलो ट्राई दिस, ले लिया स्क्रीनशॉट? यो यो मैम। यो यो मैम। चलिए ये वाला बता, ये तो सिंपल है, तो 15 सेकंड्स में हो जाना चाहिए, भाग के हो गया। अबे सांस तो ले लेता। ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर बाय किधर थे? ग्रिफिथ भाई साहब। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल भी दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किस मटेरियल को बोला गया था? डीएनए या जेनेटिक मटेरियल? डीएनए को, डीएनए को बोला गया था। गुड, आंसर इज सी, शाबाश। ये बता, ये कर रखा तुमने, रुको ये बताना, ये तुमको बताएगा कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी क्यों है। देखो नीट वाले कैसा सवाल पूछ ले, तेरे बाबा मासूम सा बच्चा सब पढ़ के गया और क्वेश्चन ही आ जाए, दिल टूट जाएगा।
करेक्ट स्टेटमेंट. फ्रैंकलिन स्टॉल कॉइंड द टर्म लिंकेज. लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर फ्रैंकलिन का काम था. कौन थे जिनके नाम पे जात पड़ा है तुम्हारा? नो मैम. टीएच मॉर्गन. हां यस यस यस. ये नहीं है करेक्ट ढूंढना में. पुनीत स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट. ब्रिटिश थे ये? यो मैम शायद मैम थे. हां ये ब्रिटिश थे. अब एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना, यहां पे पता चलता है जरूरी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं. ठीक है तो ये सही स्टेटमेंट है. स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में होता है स्प्लाइसोसोम? नो मैम. नो मैम. बोथ ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में. गलत. ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन. ऑल्टमैन ने नहीं की थी, ये डिस्कवर की थी जोशुआ ने. तो आंसर वुड बी बी कि वो सही है. ठीक है ट्रांसडक्शन डिस्कवर जोशुआ एंड जेंडर ने करी थी. ये जोशुआ याद रहता है. चलो ट्राई. ये तो तुम कर चुके हो क्लास में, काफी लंबा गया था. ये भी हो चुका है, हो चुका है. ये करना ट्राई. हाँ भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज अ राइबोसोम. राइबोसाइम. जब हम जाइम बोलते हैं ना तो इसका मतलब होता है एक्ट एज एन एंजाइम. तो देखो राइबोसोम एंजाइम की तरह काम. ये प्रोक्रियोटिक सेल है, यानी कि राइबोसोम कौन से वाले होंगे? 70S या 80S? 70S. मैंने बोला था अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है वो ये बड़ी सब यूनिट होती है राइबोसोम की. ठीक है तो राइबोसोम के जो बिगर सब यूनिट है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगी इस एंजाइमेटिक एक्शन के लिए. तो मुझे यहाँ से थोड़ा आइडिया हो गया. अब जिसने राइबोसोम वाला होमवर्क किया होगा उसने स्ट्रक्चर बनाया होगा और उसको यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा क्रैक कर सकता है वो, कि जो बिगर सब यूनिट हो वो किस पार्ट से बनी है. 5 sRNA एंड 23 sRNA. तो इसमें एंजाइमेटिक फंक्शन करता है 23 sRNA. सो आंसर वुड बी सी. ठीक है समझ आया? इसलिए ये स्ट्रक्चर ओके जी. ये सिर्फ उसी को आता होगा जिसने इसका स्ट्रक्चर किया. अब ये वाला क्वेश्चन नहीं करा तुमने? नो मैम. काम करो इस सीक्वेंस को चार लाइनों में लिखो, लाइन छोड़ के. पहली लाइन में सीक्वेंस लिखो, दो लाइनें छोड़ो, फिर दूसरी लाइन में लिखो. खुला खुला लिखना है. ठीक है लेट्स सॉल्व दिस वन. ट्राई करो इसे सॉल्व करना जब तक मैं लिख रही हूँ. AUU कहाँ चला गया? AUU तू चला गया, कोई बात नहीं. लिखा तो मुझे बताना. चार जगह लिखना है और ऊपर दो लाइनें छोड़ देना क्वेश्चन की भी. ये क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में. देखो डन. ठीक है देखो ये कह रहा है अंडर विच कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग एमआरएनए. तो ये एमआरएनए है और रीडिंग फ्रेम की बात कर रहा है. तुमको पता है कि एमआरएनए के ऊपर कोडोन होते हैं, तो कोडोन कितने नाइट्रोजनस बेसिस से बने? थ्री. हाँ थ्री से, यानी ट्रिपलेट. तो जो ट्रिपलेट होता है ना इसी को हम कहते हैं रीडिंग फ्रेम. जैसे AUG है वो हमेशा किसके लिए कोड करेगा? मिथ्युनिन. 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 तो AUG एक रीडिंग फ्रेम है. ठीक है दिस इज अ रीडिंग फ्रेम.
अगर मैं AUC लिख दूं क्या वो मिथियोनिन बनाएगा? नो मैम, नो मैम, तो तुमको रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं करना है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है, राइट? अब हम देख लेते हैं कैसे क्या करें कि रीडिंग फ्रेम चेंज ना हो, तो ये आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले सी ऑप्शन देखते हैं क्योंकि सबसे इजी है, डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम फिफ्थ पोजीशन। तो पहले रीडिंग फ्रेम बना लेते हैं, ये ACC एक रीडिंग फ्रेम है, उसके बाद हमारा सेकेंड रीडिंग फ्रेम है AGC, तो मेरा थर्ड रीडिंग फ्रेम है GGU, राइट? सही है। अब मैं इनके नंबर लिख लेती हूँ इंडिविजुअली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक, क्योंकि 9 तक की जरूरत है। अब ये कह रहा है कि फिफ्थ पोजीशन से तुम ग्वानिन हटा दो, तो फिफ्थ पोजीशन ये रही और यहाँ से ग्वानिन हटा दो, हटा दिया मैंने। अब रीडिंग फ्रेम में फर्क पड़ा, देख लेते हैं। पहला रीडिंग फ्रेम मेरे पास आया ACC, ACC बना हुआ है ऊपर, तो रीडिंग फ्रेम यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास ACG, ACG है ऊपर रीडिंग फ्रेम, नो मैम, नो मैम, तो ऊपर के रीडिंग फ्रेम ऊपर नीचे नहीं करने, वो ऐसे ही रीड होंगे, तो ऊपर नहीं है ना, दैट मींस रीडिंग फ्रेम डिस्टर्ब हुआ, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे बी वाला ऑप्शन करके बताना क्या सीक्वेंस आएगी। बी वाला बनाना, बनाओ बनाओ बनाओ, रीडिंग फ्रेम पूछूंगी मैं। कौन बताएगा? हर्ष हो गया यो मैम, तो मुंह बेटा, गुटखा थूक के आएगा क्लास में, इधर आ। अदरक खाम, अदरक खा रहा है? अदरक क्यों खा रहा है? जुकाम जुकाम, हो रखा है? यो मैम, लग नहीं रहा तेरी आवाज से। चल कोई ना, अदरक खा, शायद में डुबो डुबो के खा। सो इंसर्शन ऑफ जी एट फिफ्थ पोजीशन, तो फिफ्थ पोजीशन पे ग्वानिन डाल देते हैं। पहले तो ग्वानिन नॉर्मल लिखती हूँ, अब एक एक्स्ट्रा ग्वानिन डालना है मुझे, ये डाल दिया मैंने। अब पहला रीडिंग फ्रेम क्या बना हर्ष? ACC ACC है हमारे पास, ये तो सेम रहा। सेकंड रीडिंग फ्रेम बना क्या? AGG और AGG है हमारे पास ऊपर? नो मैम, नहीं ना, तो रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। समझ आया सबको? यो मैम, यही बना था ना तुम्हारा। चलो अगला कोई और बताएगा। अब हम देखते हैं पॉइंट डी, डी वाला नंबर, कि वो कह रहा है एडेनिन डाल दो फोर्थ पोजीशन पे, तो यहाँ मैं एडेनिन डाल दिया, और कह रहा है फिफ्थ पोजीशन पे ग्वानिन डाल दो, फिफ्थ पोजीशन में ग्वानिन रखा हुआ है मैंने। अब रीड करके देख लेते हैं, तो पहला रीडिंग फ्रेम क्या बना? एसी हाँ ये तो है हमारे पास ऊपर, ठीक है। दूसरा रीडिंग फ्रेम एजी AG है हमारे पास कहीं ऊपर? नो नहीं है ना, ठीक है, तो मैम, ये भी ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या है हमारे पास? ए ए है ना, लेकिन पहले ए बनाओ कॉपी में, बनाओ 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 बनाओ, फिर कर मानेंगे हम कि वो सही है या नहीं, और तुमको समझ आया या नहीं। बना ये कह रहा है डिलीट कर यो दो मैम, GGU को 7, 8 और 9 पोजीशन पे, तो 7, 8, 9 पोजीशन पे तीनों को निकाल दो, एक पूरा इसने फ्रेम ही निकाल दिया। कह रहा अब बताओ, अब बता लेते हैं। तो पहला फ्रेम बना मेरे पास ACC, ACC है हमारे पास, यो दूसरा फ्रेम बना AGC, AGC है हमारे पास, मैम, यो मैम, तीसरा फ्रेम मेरे पास बना GCU, GCU है हमारे पास ऊपर, यो मैम, यो ये भी मैम, है। चौथा बना AW, AW है, यो तो मैम, मेरा रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं हुआ, बेशक एक ट्रिपलेट चला गया, लेकिन रीडिंग फ्रेम तो सबका सेम ही रहा ना, जो था वही रहा, तो मेरा इसलिए आंसर हुआ ए। हमें यही करना था, ऐसा चेंज सिलेक्ट करो जिससे रीडिंग फ्रेम चेंज ना हो। समझ आई बात? यो मैम, चलो लिख लो इसे। ये प्यारा बच्चा, जिसे कोई डाउट, नो मैम, चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नो मैम।